Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope social will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, last time we were studying topic unit number 6, sports and sportsmanship. Now we are going to learn about present tense. Let we start it. Present tense has four types. First, present indefinite tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect tense. And fourth one is present perfect continuous tense. First of all, we'll discuss about present indefinite tense. Identification देखते हैं, क्योंकि हमें उर्दू में फिकरा दिए जाएंगे और हमें इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा. जब उर्दू में फिक्र की पहचान हो जाएगी, फिर उस फॉर्मूले के यूज करते हुए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे. आखिर में आता है ता है, ती है, ते हूं वगैरह, जैसा कि वो जागता है, वो सोता है वगैरह वगैरह. हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश, सिंपल सेंटेंसेस. सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. If subject is having I, we, you, they, जब ये होगा तो हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? खाना खाता हूँ. I eat food. I subject, first form of verb eat, object food. खाना खाते हैं. We eat food. Next, if the subject is any name or he, she, then. Formula for simple sentences. First of all, we translate subject, then first form of verb with S or ES, then object. Ahmed khana khata hai. Ahmed subject. Khata hai, eats. यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया है, अगर कोई नेम या ही वगैरह आ जाएगा तो उसके साथ S और ES का इजाफा करेंगे. एंड पे ऑब्जेक्ट फूड. अहमद ईट्स फूड. अहमद खाना खाता है, वो खाना खाता है. ही ईट्स फूड. नेक्स्ट मूव करते हैं. सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट को, देन डू नॉट और डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. अब ये देखना है कि डू नॉट किसके साथ लगेगा, डज नॉट किसके साथ लगेगा. अगर वी यू दे के वर्ड्स आ जाएं, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ जाए, तो हम डू नॉट को ऐड करेंगे और एस और यस का इजाफा नहीं करेंगे. अगर नाम ही शी इट आ जाए तो फिर हम कर देंगे डज नॉट. मैं खाना नहीं खाता हूँ. आई डोंट ईट फूड. अहमद खाना नहीं खाता है. अहमद डज नॉट ईट फूड. फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो कि डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और ईएस, एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट. एग्जांपल, क्या मैं खाना खाता हूँ. डू आई ईट फूड. क्वेश्चन मार्क, क्या अहमद खाना खाता है. डज अहमद ईट. नेक्स्ट मूव करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें कोई काम मुसलसल जारी है. आइडेंटिफिकेशन, उर्दू के ऐसे फिकरात जिनके आखिर पर जा रहा है, खा रही है, सो रहे हैं, खेल रहे हैं वगैरह आता है. मैं खाना खा रहा हूँ. हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश. फॉर्मूला फॉर सिंपल सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ट्रांसलेट करते हैं हेल्पिंग वर्ब continuous tense ke is, am, are. Then first form of verb plus at last object. अब is, am, are को use कैसे करते हैं. जो is है वो he, she, it, any name के साथ is आएगा, I के साथ always am आएगा, और we, you, they के साथ are आएगा, यानी कि plural subjects होंगे. तो example देखते हैं. मैं खाना खा रहा हूँ. I am eating food. अहमद खाना खा रहा है. अहमद is eating. नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं. नेगेटिव सेंटेंस सेम फॉर्मूला है जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस का पढ़ा था. इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट ऐड करते हैं. यहाँ पे नॉट ऐड कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे ही आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट.
एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खाना नहीं खा रहा, आई एम नॉट ईटिंग फूड, अहमद खाना नहीं खा रहा, अहमद इज नॉट ईटिंग फूड, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेम वही फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क को स्टार्टिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेट करेंगे देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिया है, क्या अहमद खाना खा रहा है, इज अहमद ईटिंग फूड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। उर्दू के ऐसे फिकरात जिनके आखिर पर चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, मैं खाना खा चुका हूँ, सेंटेंसेस इन इंग्लिश। फॉर्मूला फॉर सिंपल परफेक्ट टेंसेस, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, आई के साथ भी हम हैव को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, अहमद खाना खा चुका है, अहमद हैज ईटन फूड। फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट सेम वैसे ही है जैसे कि हमने ऊपर पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए किया है, सब्जेक्ट हैज और हैव, उसके बाद नॉट को ऐड कर देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, मैं आई, आई के साथ क्या आएगा, हैव के बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की वजह से, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट एट ईटन, देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, अहमद खाना नहीं खा चुका है, अहमद हैज, यहाँ पे अहमद के लिहाज से हैज लगा देंगे, हैज नॉट ईटन फूड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, इसके सेम फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आते हैं। तीनों टेंसेज में आप देखेंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा इंटरोगेटिव में स्टार्ट में आएगा, हैज को स्टार्ट में ले, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन फूड, क्या अहमद खाना खा चुका है, हैज अहमद ईटन फूड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ऐसे फिकरा जिनमें बयक वक्त जमाना और दौरे हाजिर का जिक्र मिले, मसलन मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कि इसमें टाइम फेज लाजमी आएगा। फॉर्मूला फॉर मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट को ट्रांसलेट हैज बीन, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस फॉर के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, और सिंस फॉर के बाद आ जाएगा टाइम फ्रेज। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएगा तो हैज नॉट बीन आ जाएगा और हैव नॉट बीन आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, हैज सब्जेक्ट और हैज नॉट और हैव के बाद नॉट, बाकी सेम फॉर्मूला जैसे कि हमने ऊपर पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस के लिए पढ़ा था। मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हैज हैव को सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड फिर टाइम फ्रेज। क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, Have I been reading book since morning? ये हमारा था प्रेजेंट टेंस जो कि कंप्लीट हमने किया है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि हमें डायरेक्टली इंटरेक्ट करने में आसानी हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।